हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे छठे, आठवें और बारहवें घर भाव के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि छठा, आठवां और बारहवां भाव तीन उत्तरी स्थान है। छठा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, कोर्ट केस, लिटिगेशन और सर्विस, ये सबको दिखाता है। आठवां भाव आपके टेंशन, मेंटल टेंशन, ऑब्स्टेकल्स, आपके यू नो प्रॉब्लम्स को, और ये सब चीज़ों को दिखाता है। बारहवां घर है डेथ का हाउस, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, मेंटल हाउस, मेंटल असाइलम, और ये सब चीज़ों को दिखाता है। इसलिए हम छठे, आठवें, बारहवें भाव को हमेशा गलत मानते हैं। तो जनरली एक बात कही जाती है कि छठे, आठवें, बारहवें भाव का स्वामी खराब होता है, या छठे, आठवें भाव में बैठा हुआ ग्रह खराब होता है। तो आज इस पर ही डिस्कस करेंगे कि क्या रियली ऐसा होता है, क्योंकि मतलब एक भ्रम है और लोगों को इस चीज़ के लिए डराया जाता है कि हाँ, आपके छठे, आठवें भाव में ग्रह है तो ये ख़राब रिजल्ट देगा, इसकी महादशा में ये हो जाएगा, अंतरदशा में वो हो जाएगा। तो वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और मोटिवेशन मिले कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकें और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सके। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कमेंट्स जो वीडियोस में आए उनके रिप्लाई कर दिए हैं। कुछ हो सकता है कमेंट बचे हैं उनके लिए, जो रिप्लाई नहीं किए उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आप फिर से एक बार कमेंट कर सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे बात की थी कि छठे, आठवें भाव, बारहवें भाव में आपका अगर कोई ग्रह है वो जनरली बोला जाता है ख़राब है, तो क्या ये सभी ग्रह अनैच्छिक हैं? तो आइए जानते हैं कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये मतलब आपको गलत रिज़ल्ट देंगे या नहीं देंगे। हाँ, ये बात सच है कि छठे, आठवें, बारहवें भाव में ग्रह हो तो वो कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव होगा, या ऑब्वियसली, बट क्या वो सब चीज़ों के लिए नेगेटिव होगा? क्या वो हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम देगा? तो वो हम जानेंगे, वो हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, पहले हमें देखना है कि ग्रह छठे, आठवें भाव में का जो मालिक है वो कहाँ बैठा है। दूसरी चीज़ है, जो छठे, आठवें, बारहवें भाव में ग्रह बैठा है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और उसका सब लॉर्ड क्या है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब लॉर्ड और नक्षत्र यही दो चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि ग्रह किस तरीके से काम करेगा। ग्रह अकेला कभी डिसाइड नहीं करता, क्योंकि अब एक चीज़ देखिए, ग्रह भी तो कहीं बैठा है, ग्रह भी तो किसी और के नक्षत्र में बैठा है, तो वो एक मिक्स रिजल्ट देता है। वो ये नहीं देगा कि हाँ, अगर आपको छठे भाव के मालिक के स्वामी छठे भाव का मैं बैठा हुआ है कोई ग्रह, उसकी दशा आ गई तो वो आपको टेंशन देना शुरू कर देगा, तो वो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल देना शुरू कर देगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो आपके कैरियर में ऑब्स्टेकल्स दे और मैरिड लाइफ को बहुत सपोर्ट करता हो, हो सकता है वो आपकी नॉर्मल लाइफ में टेंशन पैदा करते लेकिन कैरियर में आपको बहुत ऊपर पहुंचा दे। तो हम ऐसे डिसाइड नहीं करते। देखिए, मैं उसको आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आज ही मेरे पास एक कुंडली आई थी जिसमें कि मतलब जिस मैं आपको कुंडली दिखाता हूँ, इस कुंडली में अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है, अभी जून से शुरू हुई है। तो इससे ये कहा गया था कि मतलब जैसे जून में आपकी जैसे ही चंद्रमा की महादशा शुरू होगी तो आपके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, आपको मेंटल टेंशन होनी शुरू होंगी, आपके जॉब में प्रॉब्लम आनी शुरू होंगी, आपकी जो यात्राएं होंगी वो आपको करनी पड़ेंगी लेकिन बहुत फिजूल का खर्च होगा, ये सब बातें इनको बोली गई थी। लेकिन अभी जब ये आए मेरे पास तो मैंने तो इन्होंने ये सब बोला, लेकिन मैंने इनको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन ये दी कि नहीं, ये चंद्रमा आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको आपको जनरल आपको क्या देखना है, पहले तो आपको कुछ जो चीज़ें देखनी है वो ये है, आपको स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड नक्षत्र है और आपको एक सब लॉर्ड देखना है। अब आप जैसे कि ये देख रहे हैं कि जो प्लैनेट है चंद्रमा, ये केतु के नक्षत्र में है और सब लॉर्ड है मरकरी, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि मरकरी किस किस चीज़ को दिखा रहा है। तो अभी देखिए, मैंने जो प्रेडिक्शन इनको दी थी ये दी थी कि आपकी जैसे चंद्रमा की महादशा आएगी आपको जॉब में बहुत फ़ायदा होगा, आपको एक मतलब जो आपकी एजुकेशन है उससे हायर जॉब मिल जाएगी। तो सर अभी रिसेंटली इनको वो जॉब मिली और इन्होंने
दोबारा ही मेरे पास यही कुंडली लेके आए कि हाँ जो आपने कहा था वो प्रेडिक्शन सच थी। तो वो हमने कैसे डिसाइड किया, देखिए चंद्रमा है जो कि छठे भाव का स्वामी है। अगर हम इसको एक्चुअली हम यह राशि चार्ट हम इसको देखते हैं भावचलित चार्ट में, तो भावचलित चार्ट में जो चंद्रमा है उसकी पोजिशन थी सेकेंड हाउस और वो छठे भाव का स्वामी है, तो बन गया कॉम्बिनेशन 2-6। मरकरी वही भावचलित चार्ट में नवम भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव का स्वामी है, तो 5 और 9 आया, तो 2-6-5-9 और इस चार्ट में वो 10 में बैठा है, तो 6 और 10 का कॉम्बिनेशन में आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये डिसाइड किया था, डिसाइड करते हैं हम लोग स्टार लॉर्ड जो कि नक्षत्र है और सब लॉर्ड को देखते हुए। तो आप कभी ये मत डरिए कि मेरे 8वें भाव में कुछ ग्रह है तो उसकी माँ जैसे शुरू होगी तो प्रॉब्लम्स देगा, नहीं ज़रूरी नहीं है। हाँ कुछ चीज़ों में वो आपको प्रॉब्लम देगा, कुछ चीज़ें अच्छी देगा, लेकिन ऐसा नहीं है आप उसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया, आप उसको प्लीज़ पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है जो आप चाहते हैं कि मैं बहुत क्लियर डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊं, ये तो अभी आधा हो गया क्योंकि मैंने अभी आपको इसमें कीपी चार्ट जो भावचलित चार्ट है वो दिखाया नहीं। अगर आप कोई ऐसा क्लियर डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपका आपकी कुंडली को लेके, आपके बर्थ डिटेल्स को लेके कोई वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट कीजिए, या तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा या फिर मैं आपका उस चीज़ का ही एक वीडियो बना देंगे जैसा कि आप जो कि आप चाहेंगे। लेकिन प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।